A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Ziva Vadwani, your English teacher. Today we will be solving the specimen of English language. Okay, इसका सिर्फ हम लोग comprehension part करेंगे. Essay writing के बारे में I have given you ऊपर ऊपर the things that you have to write. और this speech writing I have already solved. ये वाला जो part था ये हम solve कर चुके हैं. ओके okay, इसमें बचा हुआ है प्रपोजल राइटिंग दैट वी विल ऑल्सो डू समडे. फंक्शनल ग्रामर हमने साथ ही में कर दी थी एंड इसके बाद एक और चीज बची हुई है दैट इज द पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन. नाउ दिस कॉम्प्रिहेंशन में हमने आपको पहले भी बोला है कि कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग में व्हाट थिंग यू आर सपोज टू डू, प्लीज रीड इट एटलीस्ट ट्वाइस, टू टाइम्स आपको इसको एटलीस्ट पढ़ना है. जब भी आपका एग्जाम होगा, जब आपके पास पेपर आएगा, चाहे वो हाफ ईयरली या एनुअली, ऑब्वियसली बोर्ड हो, ठीक. इसमें क्या करना है, सबसे पहले दिस सी आई हैव सॉल्व दिस. ये आपको एक हम आइडिया दे देते क्योंकि ऑब्वियसली ये नहीं आएगा आपके एग्जाम में. तो पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, दिस वी विल स्टडी हियर. एक ब्रीफ आपको हम एक रीडिंग करवा दे रहे हैं इसकी पहले, सो दैट आपको इन केस नहीं समझ में आया था ये वाला पेपर, जो हमने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दिया है, ठीक है. देयर वर टू स्कूल्स, कौन से स्कूल से, मिसेस नाइट का स्कूल एंड मिस मिलर्स का स्कूल. मिसेस नाइट के स्कूल में एक गर्ल थी केटी कार जो यहाँ पर पढ़ती थी. ओके इट वॉज, इट हैड अ यार्ड, इनका जो स्कूल था एक इसमें आंगन था जहां पर गर्ल्स प्लेड एट रिसेस. नाउ उसी के ही बाद एक और स्कूल था दैट वॉज मिस मिलर्स स्कूल. दोनों ही इक्वली लार्ज और दोनों ही पॉपुलर थे और दो उसमें भी एक बड़ा सा यार्ड था. बस एक बड़ा सा फेंस, एक बड़ी सी जाली थी जो दोनों प्लेग्राउंड्स को सेपरेट करती थी और उनके बीच में एक फ्यूड रेज मीन्स एक तरह की डिस्प्यूट थी जो उनके बीच में आती थी. सम सॉर्ट ऑफ क्वेरल या मतभेद हमेशा चलता रहता था इन दोनों स्कूल्स के बीच में क्योंकि देयर वर सेवरल मेरिट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव टीचर्स. दोनों स्कूल के टीचर्स बहुत ज्यादा अच्छे थे, देयर मेथड्स ऑफ टीचिंग वाज आल्सो वेरी गुड. इसीलिए दोनों के स्कूल में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन चलता था. मिसेस नाइट जहां पर केटी कार पढ़ती थी वो इन्हीं का स्कूल था. उसके वहां पे एक अच्छी चीज थी, कंपेरेटिवली एक ज्यादा अच्छी चीज थी, दैट वॉज उनके पास एक वुड शेड था, एक लकड़ी का घर था जिसके ऊपर एक क्लाइंबेबल रूफ थी, एस जिस वो वाली रूफ जिसपे आप सीढ़ी चढ़कर ऊपर जा सकते हो. जो रूफ पूरा आपको मिस मिलर का जो स्कूल था वो पूरा आपको दिख सकता था उस, अगर आप रूफ पे चढ़ते हो. और जो गर्ल्स थी वो वहीं पर ही बैठ जाती थी, टर्निंग अप देयर नोसेस एट द फो इन द नेक्स्ट ईयर, मतलब वो उस अगले स्कूल को फेस नहीं कर रही होती थी, वो पीछे मुड़ करके बैठती थी. वन मॉर्निंग, एक दिन क्या हुआ, द केटी द गर्ल मतलब शी इज अ प्रोटैगनिस्ट इन द होल कॉम्प्रिहेंशन, वो स्कूल के लिए देर हो रही थी, उसको अपनी चीजें नहीं मिल रही थी. ये तो बहुत कॉमन सी चीज है, हर एलजेब्रा मीन्स ऑब्वियसली द बुक ऑफ एलजेब्रा वो कहीं इधर उधर गुम गई थी एंड द स्ट्रिंग ऑफ हर सन हैट, वो जो टोपी होती है बड़ी सी, उस हैट में यहाँ पर एक डोरी लगी थी वो भी टूट गई थी. ओके शी रैन अबाउट सर्चिंग फॉर दीज आर्टिकल्स एंड बैंगिंग, वो इधर उधर भाग रही थी कि उसको उसका सामान मिल जाए. और वहां पर देयर आंट इजी, उनकी जो आंट थी शी वेंट आउट ऑफ पेशेंस, मतलब कि अब उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी कि हाँ ये लड़की क्या कर रही है यहाँ पर. ओके तो उन्होंने बताया कि जो आपकी अल्जेब्रा बुक है दैट इज ऑन द डर्ट, मतलब वो जो डर्टी बुक है वो आप किचन टेबल के अंडर फाइंड कर लोगे. और जो हैड स्ट्रिंग है उसमें उन्होंने बोला कि एक जगह पर रुको, इधर उधर मत हो, सो दैट आई कैन स्यू इट अप, मैं उसको सिल दूंगी, ठीक. इट वॉज नॉट ईजी टू डू सो, मतलब केटी के लिए एक जगह पर रुके रहना वॉज नॉट ईजी. द मिनट शी वॉज रिलीज्ड शी फ्लू टू द किचन, अपना जो बुक थी उसने उसको उठाई और वो स्कूल की तरफ भागी. इतना सब हेल्प करने के बाद वॉट हैपन कि अगेन शी रैन, जितनी फास्ट वो भाग सकती थी वो भागी. बट शी वॉज हाफ वे देयर, जैसे ही वो आधा रास्ता क्रॉस किया था जो टाउन क्लॉक थी उसने 9 बजा दिया एंड शी वॉज लेट टू स्कूल. नाउ शी वॉज इन अ वेरी क्रॉस मूड. देखो पढ़ोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्रॉस मूड, मैंने लिटरली इसकी मीनिंग नहीं सर्च की बट क्रॉस मूड से समझ में आ रहा है दैट उसका मूड ऑलरेडी खराब हो चुका था क्योंकि वो लेट हो गई थी. ओके नाउ अगर जो डे ऐसे शुरू हुआ है वो ऑब्वियसली बहुत ही बुरी तरीके से खत्म होता है. तो
ऑल द मॉर्निंग थ्रू उसके साथ जितनी भी चीजें होती थी वो सब गलत सलत हो रही थी. केटी मेड एरर्स, उसने बहुत सारे एरर्स किए उसके ग्रामर लेसन्स में. जब वो पढ़ रही थी, जब वो आंसर कर रही थी, तब उसने जो कॉम्पोजिशन लिखा उसमें उसके हैंड जो है कुड हार्डली, मतलब उसके हैंड जो है वो इतने ज्यादा शेक हो रहे थे, शुक हो रहे थे कि उसकी राइटिंग बिल्कुल भी नहीं पढ़ी जा रही थी. इट कुड नॉट बी रेड. मिसेस नाइट जो उनके स्कूल की हेड थी, शी सेड कि उसको वो चीज फिर से करनी है, दोबारा से उसको कॉम्पोजिशन लिखना है. दिस मेड केटी क्रॉसर. अब उसका मूड और उस पर खराब हो गया. टीयर्स केम फॉलिंग, वो रोने लगी फ्रॉम वेक्सेशन बिकॉज शी वॉज अनॉयड. वैसे उसका दिमाग खराब था क्योंकि वो लेट थी, चीजें उसकी मिल नहीं रही थी, ऊपर से आई स्कूल में तो टीचर ने किया, शी वॉज मोर अनॉयड. Then she made a bolt for the yard. Now she very quickly went to the yard and जहां पर as soon as the bell rang, जैसे घंटी बजी वो वहां जाकर के चली गई. Climbing up all, और उसने wood house जो है उसके ऊपर वो छत पर जाकर के बैठ गई. And she was sitting her face towards the other school, Miss Miller का जो school है वहां पर उसने बैठी हुई थी. ओके अब मिस मिलर की जो क्लॉक थी वो 4 मिनट देर से थी. मतलब अगर इनके टाइम पर 12 बजे अगर इनका रिसेस होता है, लंच होता है, तो उनके में 12:04 पर उनका रिसेस होगा मिस मिलर क्या. ओके मिस मिलर क्या, राइटिंग देखो कितनी हॉरिबल हो गई है मेरी. Then Mrs. Knight saw the playground was empty. इसीलिए जो अगले स्कूल का प्लेग्राउंड था वो बहुत एम्प्टी था. इट वॉज वार्म ब्रीजी डे, हल्की हल्की सी हवा चल रही थी वहां पर. केटी वहां पर बैठी, सडनली एक गस्ट ऑफ विंड उड़ी, खूब जोर से उड़ी और उसकी जो सन हैट है वो उड़ा करके ले गई. और वो क्योंकि वो हाफ टाइट थी, वो ढंग से बंधी नहीं थी, तो और वो कहाँ चली गई, वो उनका जो रूफ था जिस छत पे वो बैठी हुई थी उससे वो उड़ करके चली. उसने बहुत बार पकड़ने की उसको कोशिश की पर वो नहीं पकड़ पाई. और ट्वाइस एंड थ्राइस इट फ्लैप्ड, उसने जो उसके सन हैट के जो पर थे वो ऐसे से करके उड़े. एंड उसके बाद सडनली वो कहाँ चली गई, एक क्रम्पल्ड लिटिल हीप, कोई कह लो कि कूड़े का या फिर पत्तियों का झाड़, खूब सारा गट्ठर था, उसके ऊपर जाकर के वो जो हैट थी वो उड़ गई. अब ये जो उसके लिए बहुत ज्यादा इरिटेटिंग था, उसको लगा कि उसकी हैट नहीं बट टू लूज इट, सो नॉट मेयरली लूजिंग द हैट बट उसको लगा कि अब मैं खुद को भी खो दूंगी क्योंकि ऑब्वियसली मैं दूसरे के जगह पर जा रही हूँ. अदर मिनट पे क्या हुआ, मिलर्स गर्ल्स वुड बी आउट, और थोड़ी देर में जो उस स्कूल की गर्ल्स है वो भी आ जाएंगी. वॉज इट टू बी एंड्योर्ड, अब ये मैं क्या करूँ इस पे कि क्या इस चीज को झेलने लायक है, नहीं. केटी सेट हर टीथ स्लाइडिंग रैपिडली डाउन द रूफ, सीज्ड द फेंस. उसने क्या किया, वो अपने दादू से ऐसे किए, फिर उसके बाद वो नीचे उतरी, वो उसने जो फेंस है उसको उसने पकड़ा, उसने उधर तरफ जंप किया एंड शी वॉल्टेड इनटू मिस मिलर्स यार्ड. और चुपके चुपके से वो मिस मिलर के यार्ड में चली गई. ओके नाउ अब दिया हुआ है इसमें, अब आप सबसे पहले क्या चीज पढ़ोगे जो 3 नंबर में आती है. देखो ये जो आपको दी हुई है ये आपको ऑलरेडी मीनिंग दी हुई है, ठीक है. गिवन बिलो आर 3 वर्ड्स एंड फ्रेजेस, फाइंड आउट द वर्ड विच हैव सिमिलर मीनिंग इन द पैसेज. क्या लिखा गया है कि ये आपको ऑलरेडी एक मीनिंग दी है, आपको इसका वर्ड ढूंढना है जो क्वेश्चन में दिए, जो कॉम्पोजिशन कॉम्प्रिहेंशन में दिया हुआ है. सबसे पहले क्या है, रिसेस, किसका ब्रेक टाइम का होता है रिसेस. ओके देन प्रोलॉन्ग्ड क्वेरल और डिस्प्यूट, ये मैंने यहां से आपको दिया है. इसमें यहां पर एकदम स्टार्टिंग में आप इसको पढ़ोगे, मैंने आपको समझाया भी था कि जो दोनों प्लेग्राउंड्स और दोनों स्कूल थे उनके बीच में कॉन्स्टेंटली एक वॉर, मतभेद, डिस्प्यूट छिड़ा रहता था. तो दिस इज अ फ्यूड, तो फ्यूड मीन्स प्रोलॉन्ग्ड क्वेरल, बहुत लंबे समय से चलने वाली प्रोलॉन्ग्ड क्वेरल या फिर डिस्प्यूट. और उसके बाद लास्ट इज द फीलिंग ऑफ बीइंग अनॉयड, ठीक है. क्योंकि जब उसने केटी की जो टीचर है मिसेस नाइट, उन्होंने जब बोला कि कॉम्पोजिशन दोबारा से लिखो तो शी वॉज अनॉयड, शी वॉज वेक्स्ड. अब ये 3 पार्ट्स हो गए मेरे. इसके बाद आता है मेरा दूसरा पार्ट जो अगेन इट इज ऑफ 3 मार्क्स. ये भी थोड़ा सा टिपिकल होता है. इसमें क्या होता है
कि आपको तीन वर्ड्स दिए हैं जो क्वेश्चन में यूज हुए हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज दीज वर्ड्स अनचेंज्ड इन फॉर्म। आप इसका फॉर्म नहीं चेंज करोगे। मेरे ख्याल से फॉर्म ना चेंज करने का मतलब ये है कि आप इस वर्ड में आईएनजी भी नहीं लगाओगे, ईडी भी नहीं लगाओगे, मतलब प्रेजेंट पास्ट जेरेंड किसी भी फॉर्म में इसको नहीं करोगे। ये जैसा है उसको वैसे रखोगे, बट विद अ डिफरेंट मीनिंग। ऑब्वियसली डिफरेंट मीनिंग का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट हम ले लेते हैं। ओके, क्रिकेट एक मैच भी होता है और क्रिकेट एक कीड़ा भी होता है, इंसेक्ट भी होता है, वो खतरों के खिलाड़ी में देखा होगा क्रिकेट्स वाला, तो ये दोनों होते हैं। तो अगर ये आपको दिया हुआ है, आपको दूसरे मीनिंग से रिलेट करके इसका वर्ड बनाना है। ओके, आपको इसका वर्ड बनाना है। अब लिखा हुआ है कि क्रॉस, यहाँ पर जो पैसेज था उसमें क्रॉस का मीनिंग क्या था, बैड या बुरे मूड में, केटी वॉज इन बैड मूड, बट यहाँ पर हमने इसका कौन सा सेंस रखा हुआ है, ये जो क्रॉस साइन होता है उसका, कि फर्स्ट सेंटेंस आई हैव रिटन इज नेहा वेंट टू अ रोड विच हैड अ क्रॉस साइन, ये वाला क्रॉस सिंबलाइजिंग डेंजर, जो ये सिंबलाइज कर रहा था कि वहां पे बहुत ज्यादा खतरा है। ओके, सेकेंड इज बोल्ट, बोल्ट वो नट बोल्ट वाला, यहाँ पे जो बोल्ट यूज हुआ है वो है बहुत तेजी से भाग करके दूसरे के रूफ में चले जाना, लेकिन या अपने ही रूफ में वो गई थी केटी, बट यहाँ पर आई हैव यूज द बोल्ट जो नट बोल्ट वाला होता है, जो बड़ा सा पेच होता है उसकी बात होती है, तो मैंने वही यूज किया है, दिस बोल्ट फिट्स दिस नट। ठीक, देन थर्ड इज स्कूल, स्कूल एक नॉर्मली जो स्कूल यहाँ पर यूज हुआ है वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इसके अलावा आप स्कूल किसी ट्रेनिंग को भी बोल सकते हो। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है स्कूल क्योंकि मुझे इतना याद था कि स्कूल जो फिश का ग्रुप होता है उसको भी बोलते हैं, तो अ फिश ऑफ अ स्कूल ऑफ फिश कैन बी सीन थ्रू अ एक्वास्कोप, एक्वास्कोप से उसको देखा जा सकता है। तो दीज आर द थ्री वर्ड्स जो यहाँ पर दूसरी मीनिंग है, बट हमने जब उसको सेंटेंस यूज करोगे तो आप उसको दूसरी मीनिंग यूज करोगे। ओके, देन कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ दीज क्वेश्चंस आर ऑफ 2 2 मार्क्स ईच, जिसमें बहुत नाइसली लिखा है कि आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना है, इफ यू विल नॉट राइट इट इन योर ओन वर्ड्स तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। देन क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द फ्रेज टर्निंग अप देयर नोजेस, कि यहाँ पर एक सेंटेंस था, आई विल शो यू कि यहाँ पर इसको क्यों यूज किया गया है। देखो यहाँ पे लिखा है मिस मिलर्स प्रिमाइसेस विच कमांडेड मिस मिलर्स प्रिमाइसेस अपॉन दिस रूफ यूज टू सिट इन रोज टर्निंग अप देयर नोजेस, मतलब कुछ गर्ल्स थी जो इन रोज पे बैठती थी रूफ की, और दे यूज टू टर्न अप देयर नोजेस एट द फो फो मीन्स द एनिमी, ओके, इन द नेक्स्ट यार्ड जो सामने था, और ये चीज क्यों होती थी, दिस आई हैव रिटन इट एट अ सेपरेट प्लेस, जहां पे लिखा है कि ये जो फ्रेज है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट समथिंग बिकॉज इट इज नॉट गुड इनफ, कि आप अगले लोगों को अगले स्कूल को एक्सेप्ट नहीं करवाते हो, आपको लगता है कि वो आपके मैच का नहीं है। देन स्टेट हाउ दिस फीलिंग इज ब्रॉट आउट इन द पैसेज, अब ये फीलिंग कैसे लाई गई है, तो दिस आई हैव रिटन हियर दैट दिस फीलिंग इज ब्रॉट आउट इन द पैसेज वेन एवर यू विल राइट एन आंसर स्टार्टेड फ्रॉम द क्वेश्चन, मैंने इसको यहीं से उठाया है, दिस फीलिंग इज ब्रॉट आउट इन द पैसेज एज, जहां पर दो स्कूल से मिसेस नाइट्स स्कूल एंड मिस मिलर्स स्कूल विच वर ऑलवेज इन डिस्प्यूट, जो हमेशा डिस्प्यूट, क्योंकि वहां पे व्यूड लिखा है तो क्वेरल लिख सकते हो, फ्यू डिस्प्यूट लिख सकते हो, अपने वर्ड्स में उसको बनाओ कि आपको क्या समझ में आया है। डिस्प्यूट ड्यू टू मेरिट्स ऑफ टीचर्स, टीचर बहुत ज्यादा वहां के अच्छे थे और मेथड ऑफ टीचिंग बहुत अच्छा था, इसलिए देयर वर डिस्प्यूट्स, और इसीलिए द गर्ल्स ऑफ दैट प्लेस वर टर्निंग अप देयर नोजेस टू द स्कूल ऑफ द अदर प्लेस, द मिसेस नाइट, मिस नाइट का जो स्कूल था, मिस नाइट के स्कूल की गर्ल्स वर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड और नॉट एक्नोलेजिंग मिस मिलर्स स्कूल। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, इसी में ही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वॉट डिस्क्राइब द यूनिकनेस ऑफ केटी कार्स स्कूल, केटी कार का स्कूल था उसकी यूनिकनेस, ऑब्वियसली वो वुडन शेड वाला था,
केटी कार जो स्कूल में पढ़ती थी, दैट वाज मिसेस नाइट्स स्कूल, आप उसका नाम बताओगे? विच हैड द यूनिकनेस ऑफ पजेसिंग, उसके पास क्या था? एक वुड शेड था विथ क्लाइंबेबल रूफ, एक डोमिनेटेड मिस मिलर्स प्रीमाइसेस। डोमिनेटेड का वर्ड यहाँ पर जो लिखा हुआ है दैट इज कमांडेड, मतलब अगर आप उस रूफ पर बैठ जाओगे तो आपका पूरा, आपको पूरा नजारा दिख सकता है ऑफ द अदर स्कूल, जो अदर स्कूल के पास चीज नहीं थी। देन थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट मेड केटी लेट टू स्कूल वन डे, एक दिन केटी वाज लेट टू स्कूल एंड यू हैव टू टेल कि व्हाई शी वाज लेट। तो अगेन आई हैव स्टार्टेड इट फ्रॉम द क्वेश्चन, वन डे केटी वाज लेट टू स्कूल एज शी कुड नॉट फाइंड। अब देखो, मेड पास्ट टेंस है, whenever your question will be in past tense, write the answer in past tense, okay? या फिर passage की language, passage में अगर past tense में तो वैसे लिख दो, नहीं तो फिर अगर question is in past tense, you can write it in past tense. One day, Katie was late to school as she could not find, cannot or could not find her things. Her algebra book was missing, उसको नहीं मिल रही थी algebra book. The string of her sun hat was also broken. She went searching for these articles and banging doors. वो इन सब articles को ढूंढ रही थी और अपना door को खटखट तोड़ रही थी, मतलब bang कर रही थी. Then comes next question. How did Izzy help? I will read it from the passage itself. उसे पूछा है कि how did Izzy, aunt Izzy जो उनकी aunt थी, उन्होंने कैसे उसको help किया? क्या इससे एक्सप्लेन वेदर दिस सर्व द पर्पज, क्या इससे जो पर्पज था लेट ना होने का वो सर्व हुआ? तो यहीं पर ही दिस वी विल राइट इट एज हाउ डिड आंट इजी हेल्प हर आउट, उसने कैसे उसको हेल्प किया? बाय टेलिंग हर दैट हर डर्टी एलजेब्रा बुक, उसने उसको बताया ना कि वो जो डर्टी एलजेब्रा बुक थी जिसका सिर्फ एक ही तरफ का कवर था, ओनली वन कवर था, was under the kitchen table, kitchen table है उसके पास, उसके अंडर, उसके नीचे है वो, and swing her hat string, और उसकी जो hat string थी उसको सिल दिया उन्होंने। फिर लिखा है explain whether this served the purpose, कि क्या इससे वो बच गई, लेट नहीं हुई। No, this could not serve the purpose as Katie was late to school. अगर आपके question के दो parts दिए हैं तो जो दूसरा part है उसको पैरा चेंज करके लिखना। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप यहाँ पर ये जो स्पेस मैंने छोड़ी है उसको छोड़ो, ओके? वैसे तो इस इन ऑर्डर ऐसे करके लिखा जाता है, बस इस लाइन को छोड़ करके आप नेक्स्ट लाइन से उसको लिख सकते हो। देन कम्स द लास्ट पार्ट, दैट इज द प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक? इसका हमने कोई आपको बहुत ब्रीफ एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, कोई बड़ा सा पैराग्राफ नहीं दिखाना है 100 वर्ड्स का। व्हाट आई एम सपोज टू से इज कि देखो, क्वेश्चन पहले पढ़ लो। द क्वेश्चन इज समराइज ऑल द थिंग्स दैट वर, एक मिनट, हाँ, समराइज ऑल द थिंग्स दैट वेंट रॉन्ग फॉर केटी इन स्कूल, अल्टीमेटली फोर्सिंग हर टू जंप इनटू मिस मिलर्स प्लेग्राउंड, कि क्या ऐसी चीजें होती है जिसके कारण शी जंप्ड इनटू मिस मिलर्स प्लेग्राउंड। यू आर रिक्वायर्ड टू राइट द समरी इन द फॉर्म ऑफ कनेक्टेड पैसेज इन अबाउट 100 वर्ड्स। जो भी पैसेज है उसको स्टार्ट करके एंड तक का लिखो, जहां से बोला गया, कहां से 6th to 9th पैराग्राफ बोला है। फेलियर टू कीप विद इन द वर्ड लिमिट विल बी पेनलाइज, कि अगर आप 100 वर्ड से ज्यादा का लिखते हो तो इट यू विल बी पेनलाइज, आपके उसमें मार्क्स कटेंगे। ओके, नाउ दिस इज द 6th पैराग्राफ। यहां से लेकर के जहां से बहुत तेजी से वो भागी, टिल द टाइम जब तक वो वहां पर अगले के छत पे कूद नहीं गई, टिल हेयर यू विल राइट। अब देखो, इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं जो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, दिस इज अप टू यू कि आप ऐसे ही लिखते हो या इज देयर एनी अदर फॉर्म टू राइट, बट इन जनरल आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये चीज आपको हेल्प करेगी, बट दिस इज अ लेंथी प्रोसेस, ठीक है? सबसे पहले व्हेनेवर यू विल राइट अ प्रेसी राइटिंग, प्रेसी समथिंग होता है जो आपकी समरी होती है ग्रिड फॉर्म में, दिस इज प्रेसी राइटिंग। सबसे पहले आप इसके की पॉइंट्स लिख लो। की पॉइंट्स क्या होते हैं? ये वो पॉइंट्स, इसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। की पॉइंट्स आपके वो पॉइंट्स होते हैं जो आपको इंक्लूड करने। पहली चीज, दैट शी वाज लेट, द गर्ल वाज लेट टू स्कूल बिकॉज शी कुड नॉट फाइंड हर थिंग्स। ओके, आफ्टर दैट इंग्लिश पीरियड में, जो इंग्लिश पीरियड में क्या हुआ था, देयर वाज हर लेसन्स वेंट रॉन्ग।
ग्रामर एरर्स, ग्रामर में बहुत ज्यादा वो क्या कर रही थी, शी वॉज डूइंग एरर्स. और उसके बाद आफ्टर दिस कॉम्पोजिशन जब उसने लिखा तो उसके हैंड्स बहुत ज्यादा शेक कर रहे थे. ये ऐसे नहीं, आपको इसको एक मतलब प्रॉपर सेंटेंस में कि हाँ आपको ये पॉइंट्स उसमें इंक्लूड करने हैं. ओके देन जस्ट बिकॉज की कॉम्पोजिशन, शी हैज टू री राइट दिस कॉम्पोजिशन, उसको दोबारा से टीचर ने बोला कि लिखना है. तो शी वॉज क्राइंग, टीयर्स फेल डाउन हर ईयर्स हर आईज, एंड आफ्टर दैट शी वेंट टू द वुड रूफ, जहां पर वुड शेड था उसकी रूफ पर वो गई, जहां पर हर सन हैट, जो उसकी सन हैट थी, इट फ्ल्यू. वो कहां गई, वो विंड, बहुत तेज गस्ट ऑफ विंड आई और जिसके कारण उसकी जो सन हैट थी इट फ्ल्यू अवे. कहां पर, इन नाम लिख सकते हो कि मिस मिलर्स का जो स्कूल था वहां पर, या फिर इन एनिमीज यार्ड, उनके आंगन में जाकर के वो उड़ के पहुंच गई. अब ये सारे पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने हैं. ओके नाउ व्हाट यू विल डू आफ्टर दिस पॉइंट्स, नेक्स्ट पार्ट जो इसका आएगा, दैट इज यू विल मेक अ रफ ड्राफ्ट. क्योंकि एक साथ अगर डायरेक्टली आप पेन से बना दोगे कि आपको 100 शब्द में ये आ जाना चाहिए तो वो पॉसिबल नहीं है. रफ ड्राफ्ट इज मेड विद द पेंसिल. पेंसिल से आप इसको बनाओगे ग्रिड फॉर्म में. 100 वर्ड्स बोले, इसको ऐसे ऐसे करके ग्रिड फॉर्म लो इसका और पेंसिल से बनाओ, पेंसिल से लिखो, और इसके भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. ठीक है, पेंसिल से आपने बना दिया, मान लो ये जो वर्ड्स है ये आपके 100, 120, ये आपके 90 वर्ड्स या फिर 120 वर्ड्स, दोनों में से एक जैसे कुछ हो गए, आसपास हो गए. अब जब आप इसका फाइनली फेयर ड्राफ्ट बनाओगे जो जो आपको मार्क्स देगा, ओके ये आपका फेयर ड्राफ्ट है जो आपको मार्क्स देगा, उसको जब आप बनाओगे तो दैट विल बी द फाइनल आंसर दैट विल बी कंसिडर्ड. उस पे आपको ये 6 मार्क्स मिलेंगे. कीप इट विद इन द लिमिट ऑफ 100. कैसे करके, ये वाले जो पार्ट है इसको 5 कर दो और ये वाले जो पार्ट है इसको 10 कर दो. तो यहां से लेकर के 1, 2, 3, 10 क्यों करोगे, 10 × 10 वाला पार्ट है तो ये 10 यहाँ पे, अगर यहाँ पे नहीं आते तो फिर यहाँ से नीचे वाला जो पार्ट है उसको लेकर के उसको इंक्रीज करो. ओके ऐसे करोगे तभी वो चीज फिर आ पाएगी. ये आपने अपनी ग्रिड्स बना दी, उसके बाद ये आपका फाइनल फेयर ड्राफ्ट बन गया. ये कैसे बनेगा, जो आपका यहाँ पर रफ ड्राफ्ट बना था इसमें से कुछ चीजें कम कर दो, कुछ चीजें ज्यादा कर दो और आपका फाइनल जो आंसर होगा दैट शुड बी इन 100 वर्ड्स. इट्स ओके. देखो अगर 100 से 99 होगा इट्स ओके, 100 से 101 होगा इट्स ओके, बट उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. ऑब्वियसली 100 वर्ड्स में एग्जैक्टली 100 वर्ड्स लिखने इज नॉट पॉसिबल. इन अबाउट उन्होंने लिखा है, आप समझ रहे हो, इन उन्होंने ये नहीं बोला कि इन 100 वर्ड्स आपको लिखना है, बट आपको इन अबाउट अराउंड आस पास होना चाहिए, चाहे वो 98, 99 हो, 98, 99 हो या फिर 101, 102 हो, दैट इज ऑल्सो ओके. ठीक, वहां तक उसको क्लोज करो. अगेन आई एम सेइंग आंसर यू विल एंड दिस विल बी रिटन विद द पेन. या पेन से लिखोगे, पेन से ग्रिड्स बनाओगे, पेन से उसमें लिखोगे एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर. इसको सॉल्व कर लेना. दिस आई हैव नॉट सॉल्व्ड क्योंकि यूज योर ओन ब्रेन इन दिस. आई हैव टोल्ड यू द मेथड कि प्रेसी राइटिंग कैसे करनी है. समरी फॉर्म में लिखोगे इसको एंड ऑब्वियसली इन योर ओन वर्ड्स. ठीक है, जिसकी मीनिंग आती है उसको वैसे लिखो, जिसकी मीनिंग नहीं आती उस वर्ड को मत यूज करो, अपनी समझ से लिखो. कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही यही होता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच. कुछ नहीं समझ में आया है या इंग्लिश के किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स. एंड इफ देयर इज समथिंग जो आपको ग्रामर में नहीं समझ में आया है, यू कैन मेंशन दैट टॉपिक एज वेल. शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, शेयर इट विद योर बेस्ट फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड जस्ट बी योर बेस्ट. थैंक यू.